जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती निकली हुई है। 330 पोस्ट है टोटल, आपको 20 से 25 एज है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकती है और ये ऑल इंडियन भर्ती है। आप इसकी पूरी जानकारी आपको इसमें वीडियो में दी जाएगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब जरूर दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा सके। चलिए ले चलते हैं वीडियो की ओर। कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे, एप्लीकेशन जो है इसका मैं डिटेल्स आपको बता दूँ। ये 330 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर के, जो आपको फिल करना है। तो ये बता दूं आपको, ये किसी भी राज्य के आप हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका 20 से 25 के बीच में है तो आप इसको आराम से इजीली फिल कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी का एज यही रखा गया है। हम बात करें टोटल पोस्ट है, इसमें से चार कैटेगरी में आपको पोस्ट को बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। जिसमें फर्स्ट SI है, जिसमें AP में आपको बता दो 142 पोस्ट हैं। दूसरा सब इंस्पेक्टर में AB में आपको 65 पोस्ट हैं और फिर आपको 114 पोस्ट है, फिर आपको एक चार पोस्ट है। पोस्ट तीनों को चारों को अलग अलग में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में एज की, ठीक। एज की हम बात करते हैं तो एज आप बता दिया पहले 20 से 25 वर्ष है, ठीक। अगर आप अदर किसी राज्य से हैं तो आपको 20 से 25 एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी और राज्य से हैं तब 20 से 25, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके लिए OBC कैंडिडेट हैं तो उसको आपको 3 साल और छूट मिल जाएगी, तो आपको कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और SC ST कैंडिडेट हैं, SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल छूट मिलेगी, तो आपको कितना हो जाएगा 30 साल हो जाएगा। आपको 30 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। नेक्स्ट प्रोसेस आपका आ रहा है इसका पे स्केल। जो पे स्केल है आपको मैं बता दूं, टोटल आपको 5344,000 तक है, 24,800 तक, ग्रेड पे आपको 4200 है, ठीक। इसकी जानकारी हमको थोड़ी, ग्रेड पे की जानकारी हम पूरी क्लियर नहीं कर पाते हैं हर एक वीडियो में, इसलिए मैं आपको इक्वली बता देता हूँ कितना ग्रेड पे है, ठीक। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन आप बता दो, सब इंस्पेक्टर के लिए आपको मिनिमम, आपको पता होगा, आप जितने भी फॉर्म फिल किए होंगे तो आप BSc कर लेते हैं, इंटर पास जो 3 साल कोर्स है, त्रिस्तरीय कोर्स होता है उसको, BSc आर्ट्स BCom हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्नातक स्तरीय आपको पास होनी चाहिए। अब बता दूँ आपको इसमें बी में, आपको मैं बता दूँ ये राजस्थान के है तो आपको इसमें एक डिसीजन रखा गया कि आपको हिंदी में लिखना और समझना शुद्ध शुद्ध आना चाहिए। जानकारी हिंदी को आपको लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी और राज्य से हैं तो राजस्थानी हैं तो आपके लिए कोई कैटेगरी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ी के, तो फ़ी के मैं बता दूँ आपको, फी में इसलिए आपको यहाँ नहीं शो कर रहा है, फिर आपको मैं नोटिफिकेशन से आपको देख लीजिएगा वहाँ कि आपको हर चार पोस्ट है, ठीक है, चारों को अलग अलग पोस्टों का दिया गया है, उसमें चारों का अलग अलग आपको मैं बता दूँ फी रखा गया, पेमेंट रखा गया कि आपका फर्स्ट फॉर्म फिल करिएगा तो कितना चार्ज लगेगा, सेकंड करिएगा तो कितना चार्ज लगेगा, फोर्थ करिएगा तो कितना चार्ज लगेगा, सबका अलग अलग चार्ज रखा गया है। तो आप कौन सा फॉर्म फिल करते हैं वहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको पेमेंट वहाँ दिखलाया जाएगा कि आपको कितना पेमेंट करना है। नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू अप्लाई की ओर। अब लास्ट स्टेज हम बात करते हैं अप्लाई की, तो बस अप्लाई की ओर चलते हैं। तो अप्लाई जो है आपको ये ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है, आपको ये जो यहाँ दिख रहा है www.rpsc.rajasthan.gov.in पर आपको क्लिक करके यहां से ये अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो था आज का अपडेट अभी तक, ये जैसे फॉर्म आया मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा, 2 दिन बाद ये फॉर्म आपको फिल स्टार्ट हो जाएगा। इसके कोई भी अपडेट पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नया वीडियो इससे रिलेटेड हम इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या प्रोसेस आपको गुजरना होगा, हम आपको ये भी दिखला देते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ आपको एडमिट डाउनलोड करना है, यहाँ से अप्लाई के लिए करना है, ठीक है।
यहाँ इसका सिलेबस और पैटर्न मैं आपको एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आपको सिलेबस और पैटर्न क्या रखा गया है उसके भी आपकी जानकारी इसमें दी जाएगी। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको हम अपलोड कर देंगे। फिर हम इसके एडमिट कार्ड के जो भी लिंक आपको दे देंगे, मैं आपको यहाँ से आप वो भी हम आपको जब एडमिट कार्ड आएगा उस समय आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ से आकर क्लिक करना पड़ेगा। आप जाकर rajasthan.info खोल सकते हैं, जहाँ से आपको ये मिल सकता है इसकी डिटेल्स, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नया अपडेट हम जल्द ही लेकर आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।